नेक्स्ट पर्पस ऑफ हर्ब्स जो हमें सबके लिए चाहिए होता है इज लव. ठीक है, लव हर्ब्स विल प्लेस यू इन सिचुएशन वेयर यू विल मीट पीपल. देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने लव के लिए हर्ब्स यूज करी हो और एकदम से आपको कोई प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता. आप क्या होगा कि आप जैसे लव के लिए हर्ब्स यूज करेंगे, सपोज आपने एप्पल के साथ, जो शायद हमने शुरू में किया था एप्पल के साथ, राइट, ऑरेंज के साथ किया था ना, ऑरेंज को काट के छेद करके उसके अंदर हमने कुछ सामान डाला था, फिर उसको बरी किया था. ठीक है, यस मैम. हाँ, तो जैसे ये सारी सिचुएशंस हो गई, तो वो सबसे पहले करेगी क्या, क्वेश्चन ये है. सबसे पहले वो आपका सोशल सर्कल बढ़ाएगी, आपको लोगों से मिलवाना शुरू करेगी. उसके अंदर आप जो भी आपकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी के साथ मैच होगी ना, यू विल गेट दैट पर्सन. ये ना पूरा सिनेरियो बनाएगी आपका. ऐसा नहीं होगा कोई भी आके प्रकट हो गया, अच्छा मैं आ गई या मैं आ गया, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो लव हर्ब्स एक्सटेंड देयर जेंटल इमोशनल वाइब्रेशंस. क्या बेसिकली हर चीज हर्ब्स करती क्या है, हर हर्ब आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करती है. पहले जो ऐसे ऐसे चल रही थी, अब आपके ऐसे ऐसे करके चल, तो इसका मतलब जो आपकी प्रोमिनेंट वाइब्रेशन है वो कौन सी होगी, लव वाइब्रेशन. तो अभी आप पूरे यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं, इट इज ए लव वाइब्रेशन. तो क्या होगा, दोज पीपल हु वांट टू कैच दिस वाइब्रेशन, जिनको खुद जरूरत है वो खुद आपकी कैच करेंगे. प्रोसेस समझ आया क्या होता है ना, आपकी वाइब्रेशन बढ़ा देगी और जिसका एंटीना खुला होगा वो आपकी वाइब्रेशन को कैच कर लेगा. हमें तो सिर्फ अपनी वाइब्रेशन कैच करवानी है. जनरली दे अट्रैक्ट पर्सन इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड. लव हर्ब्स पुट आउट द कॉल एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड विल आंसर इट. सिंपल, आपके एंटीना को, किसी के एंटीना को कॉल जाता है और जो इंटरेस्टेड होंगे उस कॉल को रिसीव कर लेंगे. इट इज जस्ट लाइक अ फोन कॉल, एक इनविजिबल फोन कॉल है. आपने हर्ब से फोन कॉल किया और जिसका एंटीना ओपन है, जिसका वाईफाई ओपन है, उसने कैच कर लिया. ये ठीक है. लव हर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड टू मैजिकली फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किसी को जबरदस्ती अपने साथ रिलेशन में बांधने के लिए लव हर्ब्स कभी यूज नहीं करनी चाहिए, उल्टा केस पड़ेगा. प्लीज माइंड इट. ठीक है.